हिमाचल प्रदेश में अब की बार भी राज बदलने जा रहा है, या हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज इस बार बदल रहा है। पहाड़ पर सरकार किसकी बनेगी, 8 दिसंबर को इसका पता चलेगा। 68 सीटों के नतीजों से पहले हिमाचल प्रदेश की ठंड में सियासी उबाल उस ईवीएम की सुरक्षा पर आ चुका है, जिसमें 68 सीटों के 412 कैंडिडेट्स की किस्मत कैद है। कांग्रेस नेता धर्मपुर, किन्नौर, पांवटा साहिब, कुमारमी, नाचन, गगरेट में स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़कर 3 रात ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस को ईवीएम से छेड़छाड़ का अंदेशा है, खासकर पोलिंग वाली शाम रामपुर में निजी गाड़ी में ईवीएम मिलने से कांग्रेस का शक और ज्यादा गहरा गया है। इसके बाद करीब 6 विधानसभा क्षेत्रों में बने स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस नेताओं ने डेरा डाल दिया है और दावा है कि मतगणना होने तक ये डेरा यूं ही लगा रहेगा। स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस वर्करों के इस डेरे को लेकर बीजेपी चिढ़ गई है। कांग्रेस द्वारा स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ने को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे के भीतर ही तंबू गाड़े हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि कोई भी वॉयलेशन नहीं की गई। कुल मिलाकर तंबू का विवाद हिमाचल में गर्मा गया है और बीजेपी ने इसे चुनाव आयोग के नियमों की सीधी सीधी अवहेलना बताया है, जिसके खिलाफ बीजेपी अब चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ ईवीएम की सुरक्षा के नाम पर जगह जगह तंबू लगाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिससे एक वातावरण खराब कर रहे हैं और एक जो शांतिपूर्ण वातावरण है उसमें कुछ जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस विषय में हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने का निर्णय लिया है। शीघ्र की उसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग के पास करेंगे, क्योंकि वो लोग जो स्ट्रांग रूम है जहां से 200 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। देखो, इसमें बड़ी साफ सी बात है, जो घटना रामपुर में हुई थी जिसमें प्राइवेट गाड़ी में जो है ईवीएम जा रही थी, चाहे स्टाफ भी साथ साथ जो इलेक्शन ड्यूटी पे था, उसको लेके लोगों के मन में शंका थी। वो इंक्वायरी हुई, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की है, वो अलग इशू है। लेकिन हर बार हर चुनाव में, चुनाव लोकसभा का हो चाहे चुनाव किसी राज्य का हो, विधानसभा का हो, ईवीएम के खिलाफ लोगों के मन में शंकाएं और प्रश्न चिन्ह हमेशा रहा है। स्ट्रांग रूम वो जगह है जहां मतदान होने के बाद सभी ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। इलेक्शन कमीशन का दावा है स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम है। इसी तरह स्ट्रांग रूम के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तमाम इंतजामों के बाद भी कांग्रेस को ईवीएम की सुरक्षा की गारंटी पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ ऐसे ही तंबू लग गए हैं, जिसे लेकर चुनाव के नतीजों से पहले हिमाचल में काफी बवाल मच चुका है। गजेंद्र शर्मा, शिमला, दैनिक सवेरा टीवी।